इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला गुआना में मंगलवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला मेहमान टीम इंडिया के लिए करो या मरो का मैच होगा, क्योंकि मेजबान टीम ने सीरीज के शुरुआती दोनों ही मुकाबले जीतकर 2-0 की बढ़त बना ली है। इस मुकाबले में आप हार्दिक पांड्या को कप्तान बना सकते हैं। हार्दिक आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही काफी सारे पॉइंट्स जिता सकते हैं। इस सरफन बॉलर खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में 24 रन और 3 विकेट झटके थे, ऐसे में वह कप्तान के तौर पर एक अच्छी पिक होंगे। उप कप्तान के तौर पर आप निकोलस पूरन या युजवेंद्र चहल को चुन सकते हैं। वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया थर्ड T20I मैच से जुड़ी जानकारी, दिन मंगलवार 8 अगस्त, समय शाम 8 बजे, वेन्यू प्रोविडेंस स्टेडियम गुआना। वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया पिच रिपोर्ट, प्रोविडेंस स्टेडियम में अब तक कुल 28 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 13 मुकाबले जीते हैं। यहां पहली इनिंग का औसत स्कोर 123 रन रहा है। T20 सीरीज का पिछला मुकाबला भी इसी मैदान पर खेला गया था, जिसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 152 रन बनाए थे। इसके जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम ने 18.5 ओवर में लक्ष्य हासिल करके 2 विकेट से जीत हासिल की थी। वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया कहां देख सकते हैं आप ये मुकाबला? वेस्ट इंडीज और भारत के बीच खेले जाने वाली T20 सीरीज के सभी मुकाबले भारत में DD स्पोर्ट्स पर प्रसारित किए जाएंगे। इसके अलावा क्रिकेट फैंस यह मैच जियो सिनेमा और फैनकोड ऐप पर भी एंजॉय कर सकते हैं। वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया T20I हेड टू हेड रिकॉर्ड, अब तक इन दोनों ही टीमों के बीच कुल 27 T20I मुकाबले खेले गए हैं। वेस्ट इंडीज ने इस दौरान 9 मैच जीते हैं, वहीं भारत ने 17 मैच अपने नाम किए हैं। एक मैच ऐसा था जिसका रिजल्ट नहीं आ सका था। वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया थर्ड T20I ड्रीम 11 टीम, आज क्रिकेट एंड मोर ने विकेट कीपर के तौर पर निकोलस पूरन और ईशान किशन को चुना है। बल्लेबाजी करेंगे तिलक वर्मा, रोमन पॉवेल और सूर्य कुमार यादव। ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या। गेंदबाजी करेंगे युजवेंद्र चहल, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, अर्शदीप सिंह और रोमारियो शेफर्ड। कप्तान हमने बनाया हार्दिक पांड्या को, वहीं हमारे उप कप्तान है युजवेंद्र चहल। क्या हो सकती है वेस्ट इंडीज की संभावित प्लेइंग 11? टीम में ब्रेंडन किंग, काइल मेयर्स, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन, शिमरन हेटमायर, रोमन पॉवेल, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ और ओबेड मकॉय नजर आ सकते हैं। बात करें अगर इंडिया की संभावित टीम की, तो टीम में शुभमन गिल, ईशान किशन, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और युजवेंद्र चहल नजर आ सकते हैं। जुड़े रहें क्रिकेट एंड मोर के साथ। धन्यवाद।